मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बंजारा समाज के दो गुटों में बुधवार को खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दो व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिद्धिकगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल आष्टा लेकर आई। जानकारी के मुताबिक खूनी संघर्ष में जमकर लाठी और धारदार हथियार के साथ गोली भी चली है। वहीं मौके पर उपस्थित SDOP मोहन सारवान ने घटना में गोली चलने की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी भी घायल को गोली नहीं लगी है। पता चला है कि दोनों ही पक्षों में पूर्व में आपस में संबंध थे और इनकी सगाई की गई थी बच्चियों की। सगाई के बाद काफी समय पहले इनकी सगाई हो गई थी और सगाई के समय कुछ सामग्री का लेनदेन भी हुआ था, लेकिन अभी सगाई कुछ माह पहले तोड़ दी गई। सगाई तोड़ने पर से जो सगाई में दी गई सामग्री को वापस करने पर से इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद गहराने पर इन दोनों पक्षों ने आपस में लड़ाई करी और विवाद बढ़ने पर ही घटना। दोनों पक्षों में कितने कितने लोग इस तरह दोनों पक्षों में फिलहाल तो अभी यहाँ पे करीब 8 लोग हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई और बाकी सबका उपचार हो रहा है और दूसरे पक्ष में भी 7-8 लोग थे, जिनमें सभी अभी स्वस्थ हैं। पैर पूंजीबद्ध हो रही है और करीब 7 लोग हमारी हिरासत में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।